खालिस्तान समर्थक पन्नू ने 29 को शिमला में खालिस्तान का झंडा फहराने की धमकी दी है, जिसके विरोध में एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने कल शिमला में खालिस्तान का झंडा जलाने का ऐलान किया है। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश सांडिल्य ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि गुरुपंत सिंह पन्नू पाकिस्तान की ISI से मिलकर हिंदुस्तान में आतंकवाद फैला रहा है। उन्होंने पन्नू के शिमला में झंडा फहराने के चैलेंज को स्वीकार किया है कि शिमला में खालिस्तान का झंडा जलाया जाएगा। खालिस्तान के आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए मुहिम तैयार करनी पड़ेगी। खालिस्तान के खात्मे के लिए रथ यात्रा निकाली जाएगी। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया पिछले 30 साल से देश में आतंकवाद के खिलाफ जमीनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ रही है। हमने आतंकवाद के खिलाफ हाई कोर्ट तक याचिकाएं दायर की, जिसपे अहम फैसले आए। अब गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा से मिलकर हिंदुस्तान में आतंकवाद लाना चाहता है, पंजाब को आतंकवाद की आग में धकेलना चाहता है, और देवभूमि पर उसने चैलेंज किया कि हम यहाँ खालिस्तान का झंडा लहराएंगे। हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। एंटी टेररिस्ट की टीम आ गई, कल उनका झंडा भी जलाया जाएगा और भारत का तिरंगा लहराया जाएगा। जो भारत के संविधान से प्यार करते हैं, जो भारत के तिरंगे से प्यार करते हैं, जो इस शहीदों से प्यार करते हैं, अब उनको मैं हिमाचल से ऐलान करता हूं कि इन खालिस्तानी रूपी राक्षसों का अंत करने के लिए, इनका बीज नाश करने के लिए, इनका समूल नाश करने के लिए हमें एक मुहिम तैयार करनी पड़ेगी, जन आंदोलन तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए अगर भगत सिंह की तरह मुझे फांसी के फंदे भी चीने पड़े, मैं सीऊंगा। ये वही खालिस्तान है जिसकी नींव जो है जरनैल सिंह भिंडरांवाला ने रखी, जिसको 6 जून 1984 को भारतीय सेना ने मारा था। जो अब इसका झंडा उठाएगा, जो खालिस्तान का झंडा उठाएगा, उसका इलाज देश की पुलिस की गोली और देश की आर्मी की गोली होना चाहिए। ये वही आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। इनके स्लीपर सेल जिंदा हैं। तो आज हिमाचल की धरती से पूरे देश में जन आंदोलन तैयार करने के लिए और खालिस्तान के खिलाफ एक मुहिम बनाने के लिए मैं एक रथ यात्रा निकालूंगा। मैंने आज से 20 साल पहले भी एक रथ यात्रा आतंकवाद के खिलाफ निकाली थी। वहीं मैं महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूं, जिसने हनुमान चालीसा, जो हमारे जो है इष्ट देवता हैं, जो अंग संग हैं हमारे, उनका हनुमान चालीसा गाने पर जो है नवनीत राणा आजाद सांसद को जेल में डाल दिया देशद्रोह के मामले में। ये देश के 100 करोड़ सनातनियों को सोचना पड़ेगा कि देश कहाँ जा रहा है। मैं बम्बई उस जेल के बाहर जाकर धरना दूंगा और सनातनियों को अपील करता हूँ देवभूमि से कि हर घर के अंदर हनुमान जी का झंडा लगे और सुबह